वो बेचारा सोया हुआ है वो तो। पत्थर मार के दिखाओ ना, ऐसा लगना चाहिए ना कि जिगरे वाला ब्लॉगर है। ना ना दीदी, ज्ञान अपना अपने पास ही रखो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज मेरी क्लासेस सारी की सारी ऑनलाइन हो गई, तो अभी मैं हॉस्टल में बैठा बोर हो रहा था, ना मेरे साथ बात करने को यहाँ कोई इंसान है, तो मेरा मन करा कि क्यों ना आज जानवरों से बातें करी जाए। तो आज उन्हें जानवरों से बातें करने के लिए मैं आपको लेके जाऊँगा जम्मू के मांडा जू में। तो चलते हैं और आपको वहीं मांडा जू में ही मिलेगा। तो ये करवा ली हमने टिकट, ये पड़ी मात्र 20 रुपए में और इसकी वैलिडिटी है 1 घंटे की। 2900 रुपए दे दे, नहीं तो मैं वार्ड को बोल दूंगा। तो मेरी कोई सामान लिया, मेरे सारे पैसा कहाँ दे दिया मैंने? और क्या चाहिए? मैंने लिख के रखा है जितने जिसने। ये टिकट थी, अभी मेरी टिकट फट चुकी है। बैग से टिकट कटा के आना होता है, तो यहाँ पे टिकट की चेकिंग होती है, तो उसके बाद टिकट को फाड़ दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हो अभी जानवरों का पता नहीं कौन कौन से मिलेंगे। अरे मेरी चीज़ों को देखने का ना एक अलग ही विजन है, मेरे को समझ नहीं आती भाई मैं क्यों ऐसा हूँ, हमेशा थोड़ा क्रिटिकली सोचता हूँ। मांडा जू का व्लॉग तो मैं बनाऊंगा, पर ये जो व्लॉग होगा ना, ये मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से शो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉर्मली मेरे को जितना लग रहा है भाई मेरे लिए तो नहीं है ये जो जानवर है एज ए सिर्फ इंटरटेनमेंट का पर्पस, बट इनको थोड़ा थोड़ा जूम कर करके थोड़ा रुक रुक के ये क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा मैं बोल के दिखाऊंगा। बोल के भी लाइक एक तरह से छोटी सी स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री समझ लो। ये पिंजरे में कैद लेपर्ड भी सोचता होगा कि जब मैं आज़ाद था 50-50 किलोमीटर की पहाड़ियाँ यूं ही चढ़ जाया करता था, अभी 50 मीटर की ये जाली मेरा दायरा बन चुकी है। सदियों से इस पिंजरे में कैद ये लेपर्ड अपना शिकार करना भी भूल गया होगा। मेरे कैमरा की ओर घूरते हुए इस हिरन के बच्चे की ही बात कर लें, हार्डली 7 या 8 महीने का होगा, जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। पैदा होते ही ये चार दीवारी इसका दायरा बन गया। कभी सोचो आप पैदा हुए हो जेल में और अभी भी जेल में हो और ज़िंदगी भर आपको जेल में रहना है। वैसे तो लो मांस खाने का काफ़ी शौकीन होता है, पर आज इसके लिए फेंके हुए मांस को एक चिड़िया खा रही है। ये है हरा घास खाने वाली नील गाय, जिसे खाने के लिए हरा घास नहीं है और सूखी हुई डालियां खा रही है। कोने पे बैठा मायूस याचकर, अभी इसके पास अगर कोई पेड़ होता तो ये पेड़ पे लटका होता। कहा तो जाता है कि जंगली मुर्गे काफ़ी ऊंची उड़ान भरते हैं, पर जाली में कैद ये जंगली मुर्गे भी अपनी उड़ान भरना भूल गए होंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत आपने सुनी होगी, पर यहाँ नाचने वाले मोर को सारी दुनिया देखती है। अभी बात करो इन लंबी चोंच वाली बतखों की, अपनी लंबी चोंच से ये मछलियों का शिकार करना बहुत पसंद करते हैं, पर अभी ना तो यहाँ कोई मछली है और ना ही पानी। अभी मेरे नज़रिया से इस मांडा जू में सबसे अच्छी लाइफ जीने वाला कोई जानवर है तो वो ये बंदर है, क्योंकि इनके पास वो चीज़ है जो यहाँ पे रहने वाले किसी भी जानवर के पास नहीं है, वो है आज़ादी। अपनी आज़ादी से जीते हैं, अपनी आज़ादी से घूमते हैं, अपनी आज़ादी से टहलते हैं। और वहीं जू में कुछ बच्चों से मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई मार लिया मांडा जू का राउंड, देख लिया यहाँ पे जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, तो इन पक्षियों की स्टोरी जो है मैंने अपने व्यू से अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। देखो मैं बार बार वैसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, बट अभी 3000 होने वाले हैं, तो भाई मेरी आपसे यही रहेगी कि यार थोड़ी सी अपनी भी कंट्रीब्यूशन दिखाओ, जल्दी से आगे पीछे कुछ ना कुछ करो, जल्दी से मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, ताकि आगे जो सब्सक्राइबर जोड़ो यात्रा है वो मैं शुरू कर सकूं। बाकी अभी हॉस्टल में जाके मेरे को एडिटिंग भी करनी है, तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।